आदमी 2017 तो लैके 2022 तक गड्डियां भर भर के जाता है। अच्छा, और दो दो गड्डियां मेरिया जांदियां ही, लेकिन कित्थे जांदे सी? खांबरे दे विच। अच्छा, हां जी, 2017 दे विच जदों मैं उहदी वीडियो देखी ते मैं उहनां नूं स्पिरिचुअल फादर मान लिया। अच्छा, ते मैं गड्डियां भर भर के उत्थे लै जा रहा हां। लेकिन जैसे ही 2019 आया गड्डियां खाली वापस आ गईयां, बंदे उत्थे ही रह गए। ओहो, गड्डियां खाली वापस आ गईयां, बंदे सारे उत्थे ही रह गए। और फिर मैं बंदियां कोल जा रहा कि मैं ते तुहानूं कुछ सिखाण वास्ते कर रहा ही उत्थे, कि तुसी सिखो ते मेरे नाल सेवकाई बधाओ। लेकिन नहीं जी, वह कहिंदे असीं दादू कोल जाणा, उत्थे रह गए। कहिंदे असीं दादू कोल जाणा जी, वह फिर दोवें गड्डियां उत्थे ही रह गईयां जी। ते मेरे विच भी एक बहुत दादू ही लालची सी जिन्हें अपने नाल रख लेने, ते दादा थोड़ी अपने को रखदा। हाँ, असली दादा नहीं इदा करदा। हाँ जी, ते जदू प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे दो पास्टर जो हैं एपोस्टल जी को लालची कहते हुए नजर आए। तो आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी को कि क्यों इन्होंने ऐसा कहा है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। पास्टर जी, सारे नु जय मसीह दी। मैं पास्टर मोहन, जम्मू तो मेरा। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि इनका नाम पास्टर मोहन है और जम्मू कश्मीर से। पहले खामरा चर्च को फॉलो करते थे और खामरा चर्च को लीव करके अभी पास्टर संत जी को, जो है संत फेलिक्स जी को, अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हैं। तो मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने पहले पिक्चर डाली हुई थी स्पिरिचुअल फादर एपोस्टल जी को बताया। अब जो ये हैं संत जी को अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हैं, इन्होंने एपोस्टल जी को क्यों छोड़ा? क्योंकि उनकी चर्च जाने के बावजूद भी इनकी ऑफरिंग नहीं बढ़ पा रही थी। तो दोस्तों, एपोस्टल जी को लालची कह रहे हैं, बट खुद जो ऑफरिंग के पीछे अपना अगुआ चेंज कर लिया, क्या वो खुद लालची नहीं है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने एपोस्टल जी के बारे में और क्या बोला, तो आइए जानते हैं। ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਡੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਰੇ ਗਏ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਰਚ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि कैसे पासी ने कहा कि खामरा चर्च जो लोग जा रहे थे वो बेविचार में गिर गए। कैसे कैसे जो है इल्ज़ाम लगाए गए हैं एपोस्टल जी पर, क्यों उनकी चर्च जाने के बावजूद भी जो है बेविचार में गिर चुके हैं। और भी बहुत कुछ कहा है एपोस्टल जी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।